super excited. Ashar बहुत enjoy कर रहा है, कह रहा है मेरे को Mercedes Benz लेने आई है पापा. Hey guys, तो पूरा room messed up है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, कहीं पे मेरी jacket है, कहीं पे इसका cord पे कुछ बिखरा हुआ है, कहीं मेरी packing चल रही है. वैसे packing देख के आप समझ ही गए होंगे कि कहीं जाने का plan है, कहीं लंबा ही जाने का plan है. ये तो अपनी शक्ल दिखाएगा नहीं, बट ये देखो हमारे VFS के finally visas आ गए हैं, हमारे passports आ गए हैं. कई लोगों को पता है हम कहाँ जा रहे हैं, आपको पता है कहाँ जा रहे हैं Ashar? आपके थर्ड मंथ में थर्ड इंटरनेशनल ट्रिप है. आपको क्या ही पता है आपके 6 months के होने वाले हो. 6 months वहीं पे मनाएंगे, बिग बॉय. अब ये बहुत ध्यान से देखने लग गया, चीजें समझने लग गया कि कुछ तो चल रहा है. तेरे को भी ऐसे ही पैक करके ले जा सूटकेस में, अभी तो तू फिट आ जाएगा, बाद में आएगा भी नहीं. तो गाइस, मैक्सिमम लोग जो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उन्हें पता है कि हमारा काफी टाइम से वाला प्लान बन रहा था, काफी लंबा ट्रिप था, तो अभी हमें कट शॉर्ट करना पड़ा, क्योंकि हमारा जो पासपोर्ट है ना, VFS वालों ने बहुत लेट रिलीज करा. आज हमारा पासपोर्ट आया है और आज ही हमने नाइट की फ्लाइट बुक कराई है, क्योंकि हमारा जिसके साथ कोलैबोरेशन था वो भी हमारा वेट कर रहे हैं. हमें पहुंचना है बहुत जल्दी, और ये Ashar का ना थर्ड इंटरनेशनल ट्रिप होने वाला है 3 months में, तो बड़ा मजा आने वाला है. बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि क्या क्या करता है वो, कैसी कैसी हरकतें करता है. बाकी मेरा बैग तो ऑलमोस्ट पैक्ड है यहाँ पे, Ashar का बैग भी पैक हो चुका है, तो अभी Ashar को सुला देते हैं, क्योंकि 4:45 की फ्लाइट है मॉर्निंग में, तो अभी 7 बजे से लेकर 4 बजे तक सो जाएगा आराम से, तो अच्छा है, नींद पूरी हो जाएगी. हमारी तो आज नींद पूरी नहीं होने वाली, फ्लाइट में क्या क्या ड्रामेबाजी होती है दिखाएंगे आपको. तो चलो फिर पैकिंग कंप्लीट करते हैं और निकलते हैं. रात के बज रहे हैं 11 और हमारे सारी पैकिंग हो चुकी है, पर ये देखो क्यों मुंह छुपा रहे हैं अपना. यार इतनी बड़ी गड़बड़ हो गई है ना, मैं क्या बताऊं. क्या गड़बड़ हो गई मत पूछ. क्या मैंने टिकट बुक कराई बिजनेस क्लास गल्फ एयर सुबह 4:45 की, और पता है हुआ क्या है, पैसे भी कट गए, पॉइंट्स भी कट गए जो थे, उसका भी टिकट बुक नहीं हुई. वो पहले कह रहे थे 2 घंटे वेट करो, 2 घंटे वेट कर लिए, अब 4 घंटे कह रहे हैं, वो भी वेट कर ली, अभी तक कुछ पता नहीं है. और कितने बजे, 11 बज गए हैं, 5 घंटे में तो फ्लाइट है. अब हम जा रहे हैं नहीं जा रहे, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा. वो कह रहा अगर आपने दूसरी बुकिंग कर दी और पहले वाली जो होल्ड हुई भी है वो ही बुकिंग हो गई, तो 4 बुकिंग हो जाएगी, फिर कुछ नहीं हो सकता. मतलब 2 जगह पैसे कट जाएंगे. हाँ. दोनों जगह बुकिंग हो जाएगी. Yes. तो हमें वेट करना पड़ेगा कि पहले वाली कैंसिल हो रही है या फिर बुक हो रही है. यार क्या कर रहे हैं यार हम भाई. कॉन्सियर सर्विस है, वो भी फ्री है, डाइनर्स क्लब कार्ड है, प्रीमियर मेंबरशिप, पर कोई फायदा, सब बेकार है, सब मोह माया. अब फर्क नहीं पड़ता कि किसका मैसेज या किसका कॉल आया है. तो एग्जैक्टली हर्ष बहुत टेंशन में है, मैं भी बहुत टेंशन में हूँ, पता नहीं क्या होने वाला है. अभी भी मुझे लगता नहीं है कि ये लोग बताने वाले हैं स्टेटस क्या है. बुकिंग हमारी होल्ड पे जा चुकी है, और अगर हमने एक और बुकिंग कराई तो पहले वाली का अभी तो स्टेटस ही नहीं पता, कैसे कराएं. लास्ट मिनट में इतना बुरा हुआ हमारे साथ, Ashar आराम से सो रहा है, मैं जा रही हूँ उसके पास अब लेटने थोड़ी देर. अब देखो निकल पाते हैं 2 घंटे में या नहीं तो कल फिर घर से व्लॉगिंग करेंगे. फाइनली कभी हाँ कभी ना के बाद हम फाइनली जा रहे हैं, फाइनली हो रहा है, सच्ची में जा रहे हैं ना. अरे 12:49 टाइम, 4 घंटे बचे हैं फ्लाइट उड़ने वाली, अभी तक हम घर बैठे हैं, फाइनली बुकिंग हो गई है. एक बार के पैसे अभी आए नहीं है, एक और नई बुकिंग करा दी है. इतनी टेंशन ना कभी नहीं हुई ट्रिप में जाने में, सच बता रहा हूँ. तो Ashar रेडी है, पापा रेडी है, और मामा भी रेडी है, तो चलो फिर चलते हैं भाई, निकलते हैं एक और बहुत ही बड़ी जर्नी की तरफ. अब से आपको रेगुलर व्लॉग देखने को मिलेंगे इस चैनल पे. भाई हमसे प्यार है तो ये जर्नी बिल्कुल मत मिस करना, बहुत एडवेंचरस एक्साइटिंग होने वाली है. आपको पता लगेगा Ashar बड़ा हो रहा है यार. चले फिर, ऑलरेडी रेडी है. ऑलरेडी रेडी हूँ, मुझे पता है मेरे को आज उड़ाओगे फिर से. सही में 4 घंटे की नींद ले चुका है बेटे, आज तो लंबा सोया है, वैसे तो ये 2 घंटे बाद ही उठ जाता है. लेट्स गो भाई. तो करम भूमि आ गए हैं, ये देखो महाराज बड़े मजे से लेटे हुए हैं, हर्ष ट्रॉली ला रहे हैं. अंत लेवल एक्साइटमेंट है, बहुत लेट फ्लाइट, आई मीन अर्ली मॉर्निंग, तो हमें ऑब्वियसली पूरी रात सोए बिना जाना पड़ रहा है. तो बड़ा ही चैलेंज हो गया, नो स्लीपिंग चैलेंज व्हाइल गोइंग टू यूरोप. चलो साहब जी. क्यों जा रहे हैं यार, हम नींद आ रही है. बिल्कुल खाली गेट, रात की फ्लाइट कराने का यही फायदा. भाई यहाँ पे इसकी कस्टम चेकिंग हो रही है, इस पे शक है इस बंदे पे. कस्टम वालों ने क्यों रोका, ऐसा क्या कर रहा है तू? मेरे पास गोल्ड है, बहुत सारा सोना. अबे क्यों ऐसे काम कर रहा है, क्यों ऐसा व्लॉग बना रहा है? अबे यार कुछ नहीं था, देख हुआ ये था, हमने ना लास्ट मिनट में टिकट मिली थी. ऑब्वियसली क्या रूल होता है एयरलाइंस का ना, जब टिकट आप बुक कराते हो ना तो एयरलाइंस वाले पर्चा देते हैं कस्टम को कि ये लोग हैं, वो उनमें से रैंडमली सिलेक्ट करते हैं कि हाँ इसको हमने कस्टम के लिए बुलाना है. पर तो हमारा तो नाम ही नहीं आया था. हमारा नाम ही नहीं था उसमें, तो हमें तो जाना ही था. अब हम जा रहे हैं लाउंज. एकम प्रीवी जो बिजनेस के साथ फ्री होता है, फ्री बहुत सारा खाएंगे वहाँ पे. ठीक है हर्ष, एकम कर रहा है. इट्स एन काम हर्ष. ठीक है ना, तुझे पता है ना? हाँ मुझे पता है, अभी नया बना. जाना है ना वहाँ? बिल्कुल जाना है, देखो नाम कितना बड़ा बड़ा है. तो एनकाम प्रीवी में एंटर करके हैं. हर्ष देख रहे हो आप कितना खाना खा रहे हैं, कितना इतनी रात में खाना नहीं चाहिए पर भूख लग गई, क्या करें. और यहाँ पे Ashar को सुलाने की पूरी प्लानिंग हो रही है. सो जा यार ब्रो, सो जा प्लीज, प्लीज सो जा प्लीज.
इसे पता कुछ हो रहा है ना, अब नहीं सोएगा। आज प्रेरणा हमें सिखाएगी चाय बनाना। ओए ऐसे ऊपर करना, फिर गोल गोल करके वो बन जाता है ना हार्ट सा। नहीं मेरा ना दिमाग नहीं चल रहा, और तू इतना दिमाग खा रहा है पहले। कुछ कर ले यार, अब नींद का टाइम तो गया, 3:15 हो गए। अभी देखियो 1-1.5 घंटे में जब फ्लाइट में बैठ जाएगा ना, खराटे मार के सो रहा होगा। पता है हर्ष मुझे क्या लग रहा है, मेरी ना रियल ब्यूटी ऐसे व्लॉग्स में दिख नहीं पाती। जब भी मुझे कोई मिलता है ना, हमेशा ये कहता है यार आप तो व्लॉग से भी ज्यादा अच्छे दिखते हो। अभी अभी मेरे को ना क्रू में 2 बंदे मिल के गए हैं, सारे कह रहे हैं यार आप तो रियल लाइफ में ज्यादा अच्छे दिखते हो। ऐसे खुश कर रहे ताकि तू फोटो खिंचवा ले। मैं कह रहा हूं मेरी रियल ब्यूटी दिखती नहीं, क्या हो रहा है, क्या चोरी नहीं कर पा रहा है। अबे इसमें सच नहीं है। अभी पता है क्या हो रहा है, शर्मा दूध नहीं पी रहा, तो मैं पता है कैसे एक्टिंग कर रहा हूं, इसकी बोतल से मैं पी रहा हूं। ठीक है ये पता है करेगा, थोड़ी देर मेरे हाथ से छीन लेगा बोतल, लेकिन मेरी है पापा। ऐसे नहीं होता, मेरे को एकदम से रियलाइज हुआ हमने वीजा तो दिखाया नहीं यार। यूरोप का कितना सही शेंजन वीजा लगा है, कूल लग रहा है। और सबसे पहले हर्ष एंटर करते हुए 5 बज गए हैं वैसे बाय द वे। हर्ष को नींद भी बहुत आ रही है ना, सबको ही नींद बहुत आ रही है, हर्ष को, अशर को, प्रेरणा को। एक्चुअली अशर तो भी गया, तो चलो बैठते हैं फ्लाइट में। तेरी वजह से ये फ्लाइट बुक हुई है, मैं कभी नहीं करा रहा था। देख रहा तो अकेला जा रहा है भाई। भाई फाइनली एंटर कर गए, काफी ज्यादा अच्छी फिनिशिंग है, काफी अच्छा प्लेन लग रहा है, साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन। अब मैं सोने वाला हूँ, तो अक्षर को संभालियो, ठीक है? यार ये पर मुझे लग रहा है सीधे से फ्लैट नहीं होती यार। पूरी नहीं बनेगी बेड? नहीं। It was at this moment that he knew. He fucked up. अच्छी। हाँ मुझे। Maybe next flight connecting वाली। अक्षर सो गया बहुत ही आराम से अपने बैजिनेट में, हमने बहुत ही डिलीशियस सी मील खाई, टाइम का पता ही नहीं चला कब निकल गया, एंड इट वॉज टाइम फॉर लैंडिंग। और ले ओवर के लिए आ गया बहरीन एयरपोर्ट हर्ष। वहाँ मेबैक है नई वाली, ये लेनी चाहिए यार, ये दिला दे। तू दिला दे यार। अब अशर दिलाएगा हमें। 9-speed V12 6.0 इंजन, प्रेरणा दिला दे यार। अशर ही दिला सकता अब हमें, क्या गाड़ी है यार, यही होनी चाहिए हमारी नेक्स्ट कार। गप्पू कितना एंजॉय कर रहा है, देख कैसे देख रहा है कार। ये देखो इसका बाजा शुरू हो जाता है, इसको जैसे ही लिटाओ ना। हर्ष मर्सिडीज वो वाली छोड़, मेबैक ये वाली ले दे यार, जी वैगन। ओ भाई जी वैगन ले दे यार, ये तो ड्रीम कार है। अशर तू ही ले दे जी वैगन यार, चल बड़े होके कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना जो अशर लेके दे हमें। बाय द वे अगर आपको टॉप सब्सक्राइबर ऑफ नेक्स्ट वीक बनना है, तो आपको बस बताना है आपकी ड्रीम कार कौन सी है। गाड़ी ले लो, गोल्ड ले लो, कुछ भी ले लो, हम कुछ नहीं ले। और हम यहाँ आ गए हैं बहरीन के लाउंज में। जा रहे हैं, ग्रीस कब आएगा पता नहीं यार, आएगा अपना टाइम, आएगा अपना ग्रीस आएगा। तो मुझे तो बिल्कुल भूख नहीं है, हम यहाँ पे लेटने लगे हैं आराम से। क्या अलग सा एरिया बनाया हुआ ना, आगे स्क्रीन्स लगी हुई है। फिर ना पैर दबाने आएगा कोई, इतने तो मसाज का ना पंखा ही खत्म नहीं होता। देख रहा है अशर, देख रहा है ये बच्चा अब उस फेज में है कि सारी चीजें पकड़ लेता है और खींचता है, ना रिकॉर्डिंग करने देता ना कुछ। लेट गया मेरी सीट पे तो ये लेट गया है। मैं जाग रही, मैं नहीं जा रहा, मैं तो यहीं सो रहा हूं। लिटरली पहले तो सिर्फ हर्ष के साथ डील करना पड़ता था, अभी अशर के साथ भी डील करना पड़ता है। मैं तो दुखी हो गई हूं भाई, पलटियां मारी जा रहे हैं और मैं तो सो ही नहीं पा रही, लिटरली बहुत ही रेस्टलेस फील कर रही हूं। ये देख रहा हूं कहां से कहां पहुंच गए, हद है यार इसकी। अरिन में हमारा स्टॉप ओवर है, अशर रो ही जा रहा है, तो मैंने अशर के लिए लाज लेके आया, बनाना लिया, उसको मैश किया, ये छोटे वाले स्पून से अब अशर को बनाना खिला रहे हैं, बड़ा खुश हो रहा है, रू 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 कर रहा है। हैप्पी अशर, हैप्पी। ये लिया मैंने छोटा सा थोड़ा सा बनाना, अशर बनाना बनाना। अशर की पहली मील हो चुकी है बनाना, थैंक यू। आराम से थोड़ा थोड़ा बनेगा। अनफाइनल फ्लाइट, अब फाइनली हम पहुंचने वाले हैं एथेंस। एथेंस जा रहे हो? नहीं नहीं तुम कह रहे थे हमने बताना नहीं है, हार्ट को पर जा रहे हैं हम। तुमने कहा था हम बता नहीं रहे, हम ग्रीस जा रहे हैं, बता चुका है। और एथेंस लैंड करते ही हमारे साथ हुआ बहुत बड़ा टैक्सी स्कैम। जैसे हमारे साथ टर्की में ड्राइवर ने स्कैम किया था, हमें हमारे होटल ड्रॉप करने की जगह कहीं और ले गया, और वहां जाके एक्ट करने लगा कि जैसे हमें तो उसने बिल्कुल सही लोकेशन पे ड्रॉप करा है। कुछ तो गड़बड़ कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ कर रहा है बंदा। गुड मॉर्निंग, डे 1 इन एथेंस, एक्चुअली 2, पर कल का डे तो मैं काउंट ही नहीं करना चाहती क्योंकि कल हमारे साथ स्कैम हुए हैं और मैं काफी ज्यादा सैड हो गई थी। रात भर यही सोचती रही क्यों भाई क्यों, ऐसे स्कैम्स कहीं पे भी क्यों होते हैं। बट एनीवे दोबारा से हम बात नहीं करेंगे स्कैम के बारे में। ये देखो हमारा व्यू यहाँ से, अभी दिखेगा नहीं, हम जहाँ जा रहे हैं ना वो जगह हमारे एक्चुअल में रूम से दिखती है। दैट इज द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जिसे बोलते हैं एक्रोपोलिस। और हमारी गाड़ी वेट कर रही है, हमारा टूर गाइड वेट कर रहा है, उसे वेट नहीं कराते, निकलते हैं। हर्ष और अशर तो पहले निकल चुके हैं यार, ये मेरा वेट नहीं करते बिल्कुल भी, मुझसे पहले निकल
निकल चुके हैं दोनों, मेरी आजकल कोई वैल्यू ही नहीं रही, भागते रहते हैं हमेशा। भागो भागो भागो, ऐसे मम्मी आगे भागो भागो। जो लोग हमारी जर्नी काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं ना, उनको एक्चुअल में पता लगता होगा कि पहले ये इंसान मुझे कितनी इम्पोर्टेंस देता था, और अभी जब से अशर आया ना, ठीक है, मतलब आई अंडरस्टैंड, ये देखो अपने आप दूध भी पी रहा है, इसको मैं अच्छी आदतें सिखा रहा हूं कि हमें इसको बहुत प्यार देना है, सब कुछ करना है, बट आपस के प्यार हर्ष यार वो तो है ना, वो तो सदा है हमारा प्यार, ये रहा मैं से हाय क्यूटी पाई, मेरी क्यूटी पटूटी, आजकल उठ के बैठने लग गया, इसकी सॉक्स दिखाया, इसकी सॉक्स इतनी क्यूटू है ना, इतनी क्यूटू, तो हम जा रहे हैं टूर के लिए, एंड लियाना ने क्या बोला है हर्ष, कि तेरी बीवी कितनी ज्यादा प्यारी और पहले मुझे बोला है कि बहुत सुंदर है, बहुत हैंडसम हो, नाइस फैमिली, आपकी वाइफ चैंडलर से काफी ज्यादा ट्विन कर रहा है, मतलब बहुत सही ट्विनिंग हो रही है तुम्हारी। आर यू रेडी अशर? घुसते घुसते हर्ष ने अपना सर फुटवा लिया, कोई नहीं मेरा फूटा, इसका नहीं फूटना चाहिए। Oh, Asher. Smile, baby. Now he's smiling. Yeah? He's smiling. Yay! Let's go. And हमें लेने आई है Benz. बस मजा आने वाला है हर्ष आज. Super excited. Asher बहुत enjoy कर रहे, कह रहे मेरे को Mercedes Benz लेने आई है पापा. Every country is unique. Yes, unique it's culture, it's unique food, maybe, and unique. Maybe I would say maybe Italy because there are so many artistic things to see. Harsh Pulon बातें कर रहा है हमारे टूर गाइड से, एंड यहाँ पे have been to Italy, right? Twice, हम इटली गए हुए हैं और ये बता रहे हैं कि सबसे अच्छी कंट्री उन्हें इटली लगी। Venice, all countries are nice, but in Italy there is a lot of art. A lot of art. True. और अशर देख कितना एंजॉय करे, अब ये ना मारता है कैमरा को देख के कि ओ माई गॉड ये क्या हो रहा है, सारा टेंशन इसको चाहिए। हर्ष ने ना कल की सारी कहानी यहाँ पे सुना दी है, अब ये दो बंदे अपनी आपस में बातें कर रहे हैं और गालियां दे रहे हैं उसे। यार एक्टिवेट हो गया पता है इनको ना, पता है ऐसा बुरा लगता है बंदे को यार, उसकी कंट्री के साथ, उसकी कंट्री में लोग आ रहे हैं बाहर से और ऐसा कुछ हो रहा है ना, तो बंदे को फील होता है ये दोनों लोकल है। हम तो उसका अरेस्ट कराएंगे, अब उसने मेरे से सारे स्क्रीनशॉट सब कुछ ले ले, कह रहे हैं इसको अरेस्ट कराएंगे, उसकी गाड़ी का नंबर, उस बंदे की फोटो, सब कुछ ले ली। एक्चुअल में ना हमें भी दुख होता है ना जब हम इंडिया कोई आता और बोलता है कि यार ऐसा कुछ हुआ हमारे साथ इंडिया में, बड़ा दुख होता है यार, वे ऐसा क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए। बंदी ने पर तीन बार बोल दिया कि बीवी बहुत सुंदर है, मतलब तुम तो ठीक हो पर बीवी सुंदर है। उसने कहा तुम सुंदर हो तो बीवी सुंदर नहीं है। इसको देखो, बहुत ज्यादा धूप है तो हमने सोचा अशर की सारी हाइट छोटी हो गई है, छोटी कोई नहीं, ये लड़की भूल गई है, ऐसा तू भी तो भूल गया। एक्चुअल में अशर की हाइट सारी छोटी हो गई, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, और हमें तो नहीं यार, मेरे को तो कोई टेंशन नहीं है, बस अशर की स्किन नहीं जलनी चाहिए, मुझे हाइट चाहिए। ओके, किड्स के लिए कौन सी होगी हर? लेट्स ट्राई। तू नहीं आएगी फिर ना? कोई बड़ी ही ले लेते हैं यार, तू पहन लियो अभी, फिर सिर्फ थोड़े टाइम के लिए इसका फेस कवर हो जाएगा। इसको नहीं आएगी। 13 यूरो की कैप ली है, वो भी अशर को पूरी नहीं आएगी। मैंने कहा हर्ष यूज कर लेगा अभी तो, बस ले हर्ष इसको पहना दे। थैंक्स यार। अरे ओए, क्या प्रोटेक्शन देनी है। अरे ठीक है, एक ही बात है, वैसे तेरे पे अच्छी लग रही है। ये देख, ये मेरे देख शेड के नीचे आ रहा है। सही है, गुड गुड, वेरी गुड। टेस्ट चल के जाना पड़ रहा है, बट अशर सो चुका है आए। पापा की गोदी में क्या प्यार है, अशर को नींद आ जाती है। और बहुत ही धूप में थकने के बाद हमारा टूर, आज तक इंडिया में तो कभी कोई टूर किया नहीं, पता नहीं क्यों किया, तू नहीं करवाया फिर। अच्छा ये करा दिया, धूप में दर्शन कराए। तो ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो क्या दिखाते हैं, दुनिया की सबसे सुंदर जगह देखने जा रहे हैं हम।